हार्ड टू ब्लॉग। हेलो भाई लोग, कैसे हो? तो आशा करते सब बढ़िया। और भाई आज मैं जा रहा हूँ ई मॉल, ठीक है? तो मेरे साथ तुम भी चलो और घूमो, मतलब वीडियो पूरा देखो और पता करो कि कहाँ सबसे सस्ता लैपटॉप मिलता है, ठीक है? वीडियो में पूरा का पूरा बताऊंगा एकदम डिटेल्स देके। तो भाई पूरे वीडियो के साथ बने रहना। चलो हम निकलते हैं, मिलते हैं ई मॉल पे डायरेक्ट। हेलो भाई लोग, तो मैं फाइनली आ चुका हूँ ई मॉल पे। ये देखो ई मॉल का बिल्डिंग और आसपास का थोड़ा नज़ारा दिखा देता हूँ। ये है सेंट्रल एवेन्यू रोड और ये है पास का गली। और यहाँ पे जो फुटपाथ है, ये पूरा का पूरा एकदम दुकान है। देखो यहाँ पे जो है सामने मोबाइल कवर वगैरह का कुछ शॉप है। तो ये हमारा ई मॉल है, इसके अंदर मैं घुसूँगा, आप लोगों को भी इसके अंदर नज़ारा दिखाऊँगा। बहुत बहुत सारे कंपनी का यहाँ पे मोबाइल लैपटॉप मिलता है, तो आप आराम से आ सकते हो, खरीद सकते हो। तो कैसे आए ये बता देता हूँ, ठीक है? अगर आप हावड़ा से आ रहे हैं तो हावड़ा से बस पकड़ के आ जाना, 4 किमी के आसपास ही डिस्टेंस होगा। और अगर आप धर्मतोला से आ रहे हो तो वहाँ से आप बस टोटो ऑटो कुछ भी करके आ सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा पास है। और आप पैदल भी चल के आ सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 मिनट लगेगा, ठीक है? वो 1.5 किमी के आसपास डिस्टेंस है। और अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो मेट्रो से चांदनी चौक जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे उतर जाना, वहाँ से 100-200 मीटर की दूरी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होता। आप आराम से पैदल चल के आ सकते हो। अगर आप गूगल मैप का थोड़ा सहारा ले लीजिए, अगर आपको वो नहीं लेना है तो आप किसी से पूछ लीजिए कि भाई यहाँ पे ई मॉल कहाँ है। अगर वो ई मॉल नहीं बता सकते तो ये पूछ लीजिए कि भाई यहाँ पे जो लैपटॉप का बड़ा सा शॉप है वो कहाँ है, तो वो आपको पक्का बता देंगे, ठीक है? अगर लेकिन कोई कस्टमर से पूछना, सॉरी कस्टमर से मत पूछना, ठीक है? वो शॉपकीपर जो होता है उधर फुटपाथ के पास में जो शॉप होता है, वो शॉपकीपर से पूछ लेना कि भाई कहाँ, क्योंकि जो कस्टमर होते हैं वो भी आपकी तरह होता है ना, वो उसको भी कैसे पता होगा, ठीक है? तो चलो यहाँ पे मैं सारे के सारे व्यू दिखा देता हूँ। तो मैं पहले भी 2-3 बार आ चुका हूँ यहाँ पे, तो मैं इधर का प्राइस वगैरह थोड़ा घूम घूम के चेक कर रहा था, ठीक है? इधर भी घूमा और मैं वो न्यू टाउन के पास रहता हूँ, तो एक्सिस मॉल पे भी गया और क्रोमा है उधर, वहाँ पे भी गया। तो जो सबसे सस्ता लैपटॉप है वो कहाँ मिलेगा और कैसे, ठीक है, ये मैं बताऊँगा। तो वीडियो एंड तक देखना, और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, और इन्फॉर्मेशन कुछ अच्छा लगा तो सब्सक्राइब बटन ठोक देना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आने वाला है इंटरेस्टिंग, ठीक है? और तो भाई देख लो, ये है ई मॉल का फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकेंड फ्लोर है। तो भाई यहाँ पे जो बहुत सारे शॉप है, बहुत सारे कंपनी का आउटलेट है, रिलायंस डिजिटल है, तो वहाँ पे आप गलती से भी मत घुसना, ठीक है? तो अगर आपको लगे कि आपके पास बहुत पैसा है, अगर आप अच्छे कोई आउटलेट से ही खरीदेंगे तो घुसना, एप्पल वगैरह खरीदेंगे तो ही घुसना रिलायंस डिजिटल वगैरह पे। लेकिन अगर आपको सस्ता लैपटॉप लेना है तो आप मत घुसना, आप आ जाना फर्स्ट फ्लोर पे या फिर सेकेंड फ्लोर पे, आपको मिल जाएगा आर्या कंप्यूटर शॉप, ठीक है? वहाँ पे आ जाना। और ये देखो भाई, मैं थोड़ा एक्सिस मॉल का भी व्यू इधर ऐड कर दिया, ठीक है? तो देख लो भाई, ये है एक्सिस मॉल का रिलायंस डिजिटल। अब मुद्दे पे आता हूँ, तो वह आर्या कंप्यूटर शॉप के अंदर आपको सबसे सस्ता लैपटॉप मिल जाएगा। अगर आप स्टूडेंट आईडी या फिर स्टूडेंट प्रूफ कुछ ले जाते हो तो और भी सस्ता मिल जाएगा कम दाम पे, ठीक है? वहाँ पे जाके आप थोड़े बार्गेनिंग कर लो और देख लो अच्छे से लैपटॉप वगैरह जो भी है उधर सैंपल, तो उसके बाद आप बोलना कि भाई मुझे ये प्राइस के अंदर चाहिए, अच्छे से बार्गेनिंग करना, तो आपको मतलब एकदम बहुत सस्ता मिल जाएगा भाई, मैं पक्का बता रहा हूँ। मैं पूरा का पूरा चेक करके देखा भाई, पूरा ई मॉल के अंदर उससे सस्ता लैपटॉप आपको कहीं नहीं मिलेगा, और वो वारंटी भी देता है भाई, कोई डरने की बात नहीं, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।